वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी ब्रेन। आई स्टूडेंट, आज देखने वाले हैं एक्सपीरियंस साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। चेक पॉइंट राइट द ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है फर्स्ट, है ना। तो बीच में देखते हैं, बुक के बीच में कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं। ऑल ऑर्गेनेल्स रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉल्स। तो सारी ऑर्गेनेल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। हाइड्रा रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग, हाइड्रा में बडिंग से होता है रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है। वर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, नो इट्स फॉल्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन, एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग क्रिएट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। द राइट आंसर इज, ये हो जाएगा आपका रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर टू, हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय, हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बडिंग से, स्पॉनिंग से, बाइनरी फिशन से या क्लोनिंग से। राइट आंसर इज बडिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेक्सुअल मैच्योरेशन इन ह्यूमन इज कॉल्ड, सेक्सुअल मैच्योराइजेशन जो होता है ह्यूमंस में उसको क्या कहते हैं, एडल्टहुड, प्यूबर्टी, टीनेज या चाइल्डहुड। राइट आंसर माय डियर प्यूबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्म स्विम्स इन अ लिक्विड सेक्रेटेड बाय द, तो स्पर्म स्विम करते हैं एक लिक्विड में जो कि निकलता है कहाँ से, सेक्रेट होता है कहाँ से, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से, यूरिनरी ब्लैडर से या किडनी से या इंटेस्टाइन से। राइट आंसर इज रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूटस रिसीव नरिशमेंट फ्रॉम द, फ्यूटस को नरिशमेंट मिलता है कहाँ से, डिस्क, यहाँ पे DISC आएगा, डिस्क लाइक ऑर्गन टू विच इट इज अटैच, जिससे कि वो जुड़ा होता है विद द अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से। तो क्या होता है वो, प्लेसेंटा है क्या, या ओवेरी है, या ओविडक्ट है, या सर्विक्स है। राइट आंसर इज प्लेसेंटा। नेक्स्ट राइट द ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं, चलिए देखते हैं। देर आर टू वेज ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और प्रोड्यूसिंग यंग वंस, नेमली एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, बिल्कुल सही बात है, यही दो मेथड होते हैं। नेक्स्ट, स्नेल्स एंड अर्थवर्म्स आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज सीन इन फ्रॉग, फ्रॉग्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फॉल्स, उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट, द वास डिफरेंस इन अनदर नेम फॉर द ओविडक्ट, ओविडक्ट का अनदर नेम वास डिफरेंस होता है, तो बिल्कुल गलत बात है, फेलोपियन ट्यूब होता है उसका नाम। तो द सेलिंग ऑफ द यूटरिन लाइनिंग इज कॉल्ड मेनस्ट्रुएशन, उसको मेनस्ट्रुएशन कहते हैं, यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द गेस्टेशन, आपको गेस्टेशन डिफाइन करता है। देखिए क्या होता है, व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूटस इज कंप्लीट, जब डेवलपमेंट पूरा हो चुका होता है फ्यूटस का, इट इज रेडी टू बी बोर्न, और ये बोर्न होने के लिए तैयार है, यूजुअली आफ्टर ए पीरियड ऑफ 36 to 8 weeks के बाद ऐसा होता है। दिस ड्यूरेशन यानी कि जायगोट बनने से लेकर और बेबी के बोर्न होने तक, ठीक है, लगभग 38 weeks से टाइम लगता है, और ये ड्यूरेशन कहलाती है गेस्टेशन पीरियड, या इनफॉर्मली अगर बात करें, लोकल बोलचाल में बात करें, तो इसको हम प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेन इज द बेबी कॉल्ड ए फ्यूटस, कब बेबी को फ्यूटस के, मतलब ये फ्यूटस होता है ना, बेबी जो होता है उसको फ्यूटस हम कब तक कहते हैं। फ्रॉम द एज ऑफ 8 weeks, लगभग 8 weeks से लेकर टिल इट बॉर्न, जब तक ये बोर्न नहीं हो जाता, उसका जन्म नहीं हो जाता, तब तक हम उसको फ्यूटस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, चलिए जानते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन द एम्ब्रायो कंटिन्यूज इट्स डेवलपमेंट, एम्ब्रायो एक बार क्या इम्प्लांटेशन हो जाती है तो एम्ब्रायो डेवलप होने लगती है लगातार। द सेल्स डिवाइड टू फॉर्म डिफरेंट टिश्यू, सेल डिवाइड होने लगते हैं, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे होने लगते हैं, ठीक है, और ये डिफरेंट टिश्यू बनने लगते हैं, ईच ऑफ विच डेवलप इन टू वेरियस ऑर्गन, और जिससे हर से क्या बनता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं, लिम्स एंड मसल्स, दिस इज कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन, इसको हम सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं और सेल मैच्योरेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाई डू एम्फीबियंस एंड फिश ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स, एम्फीबियंस और जो फिश होती हैं वो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एग्स क्यों देती हैं, चलिए जानते हैं। एम्फीबियंस एंड फिश ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स टू इंक्रीज द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ताकि उनके फर्टिलाइजेशन का चांस क्या हो सके, इंक्रीज हो सके, क्यों, क्योंकि उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है माय डियर। चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन मेटामॉर्फोसिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, आपको मेटामॉर्फोसिस बनाना बताना है एग्जाम्पल की मदद से, चलिए जानते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म अंडरगोज ए सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस, हर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सीक्वेंस वाइज बहुत सारे चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, उसकी लाइफ टाइम में दिस ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो बदलाव होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसी को हम मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। चलिए फ्रॉग्स की बात करते हैं, टॉड्स की बात करते हैं, ऑल्सो गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, तो उसमें भी बहुत सारे स्टेजेस चेंज हो रही होती हैं डेवलपमेंटल आफ्टर दे हैच, अब वो जब हैच करते हैं डेवलपमेंट हो रहा होता है। द टेडपोल इज द लार्वल स्टेज, अब बात करते हैं एडल्ट फ्लोग है, ठीक है, वहाँ से फिर एग जनरेट हुए हैं, फिर ये एम्ब्रायो बने हैं, फिर ये टेडपोल की कैटेगरी में, ठीक है, जब इसके लेग्स आ चुके हैं तो टेडपोल के, तो इसको ऐसा दिखाया जा रहा है, फिर ये फ्रॉगलेट बन चुका है, उसके बाद ये एडल्ट फ्लोग बन चुका है, ठीक है। लार्वल स्टेज में होता है, इट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, एडल्ट फ्लोग से ये जब किस में होता है,
आपसे कहा जा रहा है ये बिल्कुल लार्वल स्टेज में होता है तो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देता है मेंढक से। इट हैज़ ए ब्रॉड टेल, इसकी है ना चौड़ी सी पूंछ होती है, एंड स्मॉल माउथ होता है। इट यूजेस गिल्स टू ब्रीथ, और ये गिल्स से सांस लेता है उस समय पे, टिल डेवलप लंग्स, जब तक कि उसके लंग्स डेवलप नहीं हो जाते। वंस इट एक्वायर्स हिंड एंड फोर लेग्स, एक बार इसके बाद हिंड एंड फोर लेग्स आ जाते हैं, इट कैन होप ऑन टू लैंड, तब ये क्या कर सकता है, सॉइल पे जा सकता है या ग्राउंड पे उछल सकता है। चलिए, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन एम्ब्रायो अलॉन्ग विद ए नीट एंड लेवल डायग्राम आपको बनाना है। चलिए देखते हैं। द एम्ब्रायो एम्बेड इटसेल्फ इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, जो एम्ब्रायो होती है ठीक है वो क्या करती है, यूट्रस की दीवार में एम्बेड हो जाती है, चिपक जाती है, धंस जाती है, विच बिकम थिक, और ये थिक होने लगती है, एंड स्पॉन्जी होती है, कौन, यूट्रस की दीवार, टू रिसीव इट, ताकि इसको रिसीव कर सके, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, और इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं एम्ब्रायो जो है ठीक है ये एम्बेड कर जाती है, जो जायगोट होता है वो यहाँ पे आके स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, और सारा न्यूट्रिशन यहीं से लेने लगता है। हेयर द एम्ब्रायो कंटिन्यूज इट्स डेवलपमेंट, अब इसका एम्ब्रायो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। द सेल्स डिवाइड टू फॉर्म डिफरेंट टिश्यू, सेल्स से डिफरेंट टिश्यूज बनते हैं, ईच ऑफ विच डेवलप इन टू वेरियस ऑर्गन, और जो कि हर एक डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, डेवलप हो जाता है, लिम्स एंड मसल्स में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन, जिसको हम सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं और सेल मैच्योरेशन भी कहते हैं। फॉर द फर्स्ट एट वीक की बात करें तो फर्टिलाइजेशन के बाद द बेबी इज कॉल्ड एन एम्ब्रायो, उसको हम एम्ब्रायो कहते हैं 8 वीक्स तक, एन एम्ब्रायो, इट इज ए बॉल ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल, एक सेल की बहुत बड़ी डेवलप होती हुई गेंद की तरह होती है, एंड बियर्स नो रिसेम्बलेंस टू ठीक है एडल्ट ह्यूमन बींग, और इसमें कोई भी रिसेम्बलेंस नहीं होता है एक ह्यूमन एडल्ट ह्यूमन बींग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ एन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का आपको प्रोसीजर बताना, देखिए करते क्या है इसमें। द टू सेल्स यूनाइट टू फॉर्म जायगोट, दो सेल जो मिलते हैं उनको हम जायगोट कहते हैं, विच स्टार्ट टू ग्रो, जब ये ग्रो करना स्टार्ट करते हैं इन टू ए बेबी, एक बेबी में। समटाइम्स फर्टिलाइजेशन इन दिस वे इज नॉट पॉसिबल, कभी कभी इस तरीके का फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्यों, फॉर वेरियस मेडिकल रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और जो मोस्ट कॉमन रीजन मेडिकल रीजन है वो है ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब, यानी ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब मदर की जो है वो ब्लॉक हो चुकी है। ऐसे में द डॉक्टर्स देन मे डिसाइड टू गेट द एग सेल ऑफ द मदर फर्टिलाइज आउटसाइड हर बॉडी, तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इन एग सेल को हम मदर की बॉडी के बाहर फर्टिलाइज कराएंगे। दे डू दिस बाई टेकिंग फ्रेशली रिलीज एग, ये फ्रेशली एग रिलीज एग लेते हैं यहाँ से, जो कि मदर की बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, वहां से निकाल लेते हैं, फ्रॉम द मदर्स एंड स्पर्म ले लेते हैं, कहाँ से, फादर से, प्लेसिंग द टू टूगेदर इन ए पेट्री डिश, और दोनों को एक पेट्री डिश में रख लेते हैं इन द लेबोरेटरी लैब में। वेन द एग इज फर्टिलाइज, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है एंड फॉर्म एम्ब्रायो, ये एम्ब्रायो बन चुका होता है, इट इज पुट बैक इन टू द मदर्स यूट्रस, और इसको मदर की यूट्रस में पुट कर दिया जाता है। टू कंटिन्यू इट्स ग्रोथ, अब इसकी ग्रोथ होती रहती है, एंड डेवलप इन टू ए बेबी, और ये बेबी में डेवलप हो जाता है। एज द फर्टिलाइजेशन अकर्स इन पेट्रीडिस, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन पेट्रीडिस में हुआ, लैब में हुआ, इन कंसीव इन दिस वे, इस तरह से जो कंसीव किया है, आर कोलिकली कॉल्ड, इसको हम कहते हैं एक समग्र रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, तो यहाँ पे ट्यूब आएगा है ना, यही नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ट्यूब, TUVE है ना, क्या आएगा, टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड IVF, इसको IVF या इसकी फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन डोली, क्लोन जो डोली बनी थी उसके बहुत सारे स्टेप, फॉर्मेशन के स्टेप्स आपको बताने। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले द न्यूक्लियस ऑफ एन एग सेल फ्रॉम एक स्कॉटिक ब्लैक फेस ई, तो आपने न्यूक्लियस लिया है किससे, स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव का हमने क्या लिया है, न्यूक्लियस लिया है। ठीक है, तो चलिए, तो ये आपने ले लिया है इससे भाई है ना, इससे क्या लिया आपने, न्यूक्लियस लिया है। अब क्या करने वाले हैं, फीमेल सी वाज रिमूव एंड रिप्लेस, यानी वो रिमूव कर दिया है एंड रिप्लेस, और इसका न्यूक्लियस को हम रिप्लेस कर दिया किससे, विद दैन न्यूक्लियस फ्रॉम ए सेल टेकन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ ए फिन डॉर्सेट ईव, फिन डॉर्सेट ईव इसकी बात कर रहे हैं, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे आपने प्लेस कर दिया है। ठीक है, यहाँ से बाकी पूरा सेल लिया है और यहाँ से न्यूक्लियस लिया है। दिस एग वाज देन इम्प्लांटेड, ये एग बाद में इम्प्लांट कर दिया जाता है इन टू द ब्लैक फेस ईव की बॉडी में, एंड अलाउ टू डेवलप, और यहाँ पे डेवलप हो जाता है, इस तरह से क्लोनिंग का प्रोसेस होता है। रीजन वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉग ले मैनी एग्स बट ओनली ए फ्यू सर्वाइव टू बिकम एडल्ट, फ्रॉग बहुत सारे एग्स देते हैं लेकिन उनमें से कुछ ही सर्वाइव कर पाते हैं और एडल्ट बन पाते हैं, ऐसा क्यों है, फ्रॉग्स ले मैनी एग्स बट ओनली ए फ्यू सर्वाइव टू बिकम एडल्ट बिकॉज इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है और इसमें चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, वेरी वेरी लेस होते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। सेकेंड, इंक्यूबेशन ऑफ एग इज नेसेसरी, इंक्यूबेशन जो होता है एग का वो नेसेसरी होता है फॉर देम टू हैच प्रॉपरली, ताकि वो प्रॉपरली हो सके, हैचिंग हो सके उनकी। ठीक है,
एग ऑल्सो एक्वायर मैनी प्रोटेक्टिव लेयर, एग को बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर की जरूरत होती है अराउंड इट, उसके चारों तरफ। सम ओविपरस एनिमल्स जो अंडे देते हैं ऐसे एनिमल्स सच एज हैंस सिट ऑन द एग, ये एग पर बैठ जाते हैं टू कीप देम वार्म, ताकि वो गर्म रख सके उनको। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन, जिसको हम इंक्यूबेशन के नाम से जानते हैं, यानी उसको गर्मी हीट प्रोवाइड करने के लिए वो ऐसा करते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, हॉट्स देखते हैं क्या फर्स्ट क्वेश्चन। तो भाई टिक मार्क्स वाले क्वेश्चन है, असर्थन फर्टिलाइजेशन कैन नॉट बी एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल नहीं हो सकता इन लैंड एनिमल, लैंड एनिमल में, ठीक है। तो क्या ये बात सही है भाई, क्यों नहीं हो सकता है? तो देखते हैं, बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म सेल रिक्वायर ए वाटरी मीडियम, क्योंकि उसको वाटरी पानी जैसा ही मीडियम चाहिए होता है। दूसरा है बिकॉज द एग सेल्स आर शॉर्ट लिव, क्योंकि वो शॉर्ट लिव होते हैं। बिकॉज द एग सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, तो राइट आंसर इज माई डियर इसमें ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट असर्शन, द एग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसर्ट्स इंसर्ट्स हैव सेल्स, ठीक है। तो कह रहा है जो एग्स होते हैं बर्ड्स के एंड इंसर्ट इंसेक्ट के, यहाँ पे है ना इंसेक्ट्स आएगा, हैव सेल्स, उनके सेल्स होते हैं कवर होते हैं, ठीक है। तो क्यों होते हैं, रीजन क्या है? बिकॉज द एग्स आर वेरी स्मॉल, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। बिकॉज द डेवलपिंग इंडिविजुअल नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरमेंट से इनको प्रोटेक्ट करना होता है। और सी बिकॉज द सेल मेक द एग्स अनब्रेकेबल, सेल की वजह से ये अनब्रेकेबल यानी टूटते नहीं है। तो राइट आंसर है माई डियर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट assertion, the offspring of oviparous animals are at a great risk of survival than the offsprings of viviparous animals, यानी कह रहा oviparous animals के जो offspring होते हैं, ठीक है, उनका survival के chance क्या होता है, बहुत ज्यादा risk होता है उनको, ठीक है। तो क्यों होता है भाई, because the young ones of oviparous animals are produced in large number, क्योंकि ये ज्यादा number में होते हैं इसलिए ज्यादा खतरा होता है। सेकेंड बिकॉज द यंग वंस ऑफ ओविपरस एनिमल्स आर नॉट टेकन केयर ऑफ बाय देयर मदर, क्योंकि उनकी मदर उनका ध्यान नहीं रख पाती है। सी बिकॉज द यंग वंस ऑफ ओविपरस एनिमल डू नॉट गेट न्यूट्रिशन, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 4, ए मैच्योर ह्यूमन फीमेल यूजली बियर्स वन चाइल्ड एट ए टाइम, ए मैच्योर ह्यूमन फीमेल जो होती है वो जनरली एक बेबी चाइल्ड को कैरी करती है, बियर करती है एक टाइम में। रीजन बिकॉज द फीमेल नॉर्मली रिलीज वन एग सेल एट ए टाइम, क्योंकि एक एग सेल रिलीज करती है एक बार में, ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा ऑप्शन। बिकॉज द फीमेल इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ये तो कोई रीजन नहीं हो सकता। बिकॉज द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेज ओनली वन स्पर्म एट ए टाइम, क्योंकि जो मेल ह्यूमन है वो केवल एक स्पर्म प्रोड्यूस करता है, तो ऐसा भी नहीं। तो राइट आंसर इज ए। तो इस तरह माय डियर स्टूडेंट, आज ने आपने चैप्टर नंबर 6 का सॉल्यूशन देखा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि आपको सॉल्यूशन कैसा लगा, क्या ये आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए स्टूडेंट, देखते रहिए हमारे चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी ब्रेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं, बाय बाय।